ओलंपियाड परीक्षा में रीवा जिले से रिकॉर्ड बच्चे हुए शामिल। प्रतिभावान छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का फिर मिला मौका। परीक्षा में रीवा जिला रहा अव्वल। जिला मुख्यालय से 1761 व जिले से रिकॉर्ड 35160 बच्चे हुए शामिल। प्रतिभावान बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का एक बार फिर मौका मिला है। शासन की योजना के अनुसार ओलंपियाड परीक्षा ऐसे बच्चों के लिए ही संचालित की जाती है जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की प्रतिभा हो। रीवा जिले में आज ओलंपियाड परीक्षा के दौरान सबसे अधिक 35160 बच्चे शामिल हुए, जिसमें जिला मुख्यालय से 1761 बच्चे अपनी प्रतिभा को परीक्षा दे रहे हैं। जिले में परीक्षा संचालन के लिए 17 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जिला मुख्यालय से मार्तन क्रमांक 3 गोराहार, पेपकरा, एसके स्कूल, पीके स्कूल, गवर्नमेंट क्रमांक 1 पारेंटोला के विद्यालय शामिल है, जिसमें से 1761 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। इसी तरह से पूरे जिले में 35160 बच्चों ने ओलंपियाड की परीक्षा में भाग लिया है। इस दौरान मार्तन क्रमांक 3 के प्राचार्य ने बताया कि बच्चों के लिए आने जाने की व्यवस्था सहित शासन के द्वारा उनके भोजन की भी व्यवस्था कराई गई है, जिससे बच्चों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में पास होने वाले बच्चे राज्य स्तरीय परीक्षा में शामिल होंगे। आज काहे की परीक्षा आयोजित की गई है और कितने बच्चे छात्र उपलब्ध हैं, अपने कैसे क्या परीक्षा कार्यक्रम? आज ओलंपियाड के नाम से परीक्षा आयोजित है, इसमें कक्षा 2 से लेकर 8 तक के बच्चे शामिल किए गए हैं, जिसमें से कक्षा 2 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनका समय 12 बजे से 2 बजे तक और 6 से 8 तक के बच्चों का समय 3 घंटे है, 12 से 3 बजे तक। इस केंद्र में 390 बच्चे शामिल हैं और पूरे ब्लॉक में विकासखंड में 17 केंद्र हैं। इन पूरे केंद्रों में 4648 कुल बच्चे रजिस्टर्ड हैं, बैठे हुए हैं। इसकी परीक्षा किस चीज़ के लिए होती है? इसकी परीक्षा से यह है कि जो बच्चा इस परीक्षा को पास कर लेगा उसको, उस बच्चे को प्रति बच्चे को 1000 रुपये माह में दिया जाएगा शासन की ओर से। इनके कहाँ कहाँ अपने बच्चे आयोजित आए हैं? इस विद्यालय में हमारे जेएसके मार्तन 3 के बच्चे हैं और इस केंद्र में संकुल अंतर्गत 3 जेएसके हैं, मार्तन 3, गुड़हर और पैपखरा, बाकी शेष पूरे ब्लॉक के 17 केंद्र हैं। पूरे मध्य प्रदेश में रीवा जिले सबसे ज़्यादा बच्चे शामिल हैं, इसलिए कि यहाँ संख्या है और जागरूक लोग हैं। शहर के जितने लोग हैं वो अपने बच्चे को तैयार करा के और लाभ लेना चाहते हैं और सरकार लाभ देती है। ये खाने की क्या व्यवस्था? इनके खाने के लिए इस बार लंच पैकेट भेजा गया है, जो कि सेंटर किचन की तरफ से लंच पैकेट आ भी चुके हैं। शुभ नाम से ला। मेरा नाम आर.एल. दीपांकर, प्राचार्य मार्तन 3, विकासखंड शिक्षा अधिकारी रीवा।